अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हुमा तनवीर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर समर पैक ऑफ क्लास 2 एंड वी हैव अ पेज नंबर 42। ऑन दिस पेज वी हैव क्वेश्चन अबाउट आवर 5 सेंसेस। जी तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि सेंसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी सेंस है साइट, सेंस ऑफ साइट, ठीक है। सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की हिस, और हम देखते किससे हैं, आई से। तो आई है सेंस ऑफ साइट का ऑर्गन, ठीक है। सेकंड सेंस है हमारे पास हियरिंग, सुनना, और हम सुनते किससे हैं, अपने ईयर से, ठीक है। तो ईयर क्या है, ऑर्गन है हमारा हियरिंग सेंस का, ठीक है। थर्ड वन इज स्मेल, और स्मेल हम किससे करते हैं, नोज से, ठीक है। तो नोज हमारा है ऑर्गन स्मेल का, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल का, ओके। फोर्थ वन है टेस्ट, और टेस्ट हम करते हैं माउथ से, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑर्गन है, सेंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास टच या फील, ठीक है, और वो हम करते हैं स्किन से या हैंड से टच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी कुछ सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे पास ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने इनको फिल करना है। हमारे पास अबव कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इन वर्ड्स से अपनी फीलिंग्स को फिल करना है, ठीक है। हमने प्रॉपर तरीके से सेंस वर्ड यूज़ करना है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई कुड टेल बाय द डैश ऑफ द मिल्क दैट इट हैड गॉन सोर। वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि जो मिल्क है वो सोर हो चुका है, ठीक है। किस तरह से हम बता सकते हैं, हम टेस्ट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टेस्ट है, मैं इसके ऊपर कर दूँगी 1, ठीक है, और नीचे मैं लिख दूँगी टेस्ट, TASTE, टेस्ट। सेकेंड वन, द स्टोव इज स्टिल हॉट सो बी केयरफुल नॉट टू डैश इट। जो स्टोव है वो अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको ना करें। हम गर्म चीज़ों को क्या नहीं कर, हमें क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं टच के ऊपर लिख देती हूँ सेकेंड, और मैं यहाँ लिखती हूँ TOUCH, टच। थर्ड है द सेकेंड ऑफ द कैनमैन रोल्स बेकिंग फ्लोर्स टू माई डैश। अब सेकेंड स्मेल की बात हो रही है, तो हम स्मेल किससे लेते हैं, हम स्मेल द सेकेंड ऑफ द कैनमैन रोल्स बेकिंग फ्लोर्स टू माई, स्मेल जो है वो किससे लेते हैं, हम नोज से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोज राइट हुआ है, मैं इसके ऊपर 3 राइट करती हूँ, और यहाँ पे मैं राइट करूँगी नोज, NOSE, नोज। फोर्थ, आई हैव ट्रबल डैश द म्यूजिक इफ़ इट इज़ नॉट लाउड इनफ। अगर म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है तो हम लोगों को ट्रबल होती है। किस में ट्रबल होती है, हियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हियरिंग लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर लिखती हूँ 4, तो यहाँ पे लिखूँगी हियरिंग, HEARING, हियरिंग, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास फिफ्थ फीलिंग है, ही कवर्ड हिज डैश सो ही कुड नॉट सी द सरप्राइज। अब उसने अपनी क्या, कौन सा ऑर्गन कवर किया हुआ था कि वो नहीं देख सका जी, तो हम आई से देखते हैं। आई उसने कवर अपनी की हुई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई इसके ऊपर लिखूँगी 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी आईज, EYES, आईज। नेक्स्ट, यूज योर डैश टू फील हाउ क्विकली द हेड गेजेस। अब आपने क्या यूज़ करते हैं आप किसी चीज़ को टच करने के लिए और फील करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा प्रिकली है, तो हम यूज़ करते हैं हैंड को, ठीक है। तो मैं यहाँ 6 राइट करूँगी हैंड के ऊपर, और यहाँ राइट करूँगी हैंड, HAND, हैंड। 7, दिस कोल्ड हैज़ मेड मी सो स्टफ्ड अप आई कैन नॉट। अब ये जो ठंड है उसने बहुत ज़्यादा स्टफ्ड कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं क्या नहीं कर सकता इस ठंड में, क्या नहीं आएगा जी, तो हमें स्मेल नहीं आएगी। जब कोल्ड होता है ना, तो हमारी नोज भी ब्लॉक हुई हुई होती है, स्टफ्ड हुए हुए होते हैं, तो हमें स्मेल नहीं आ रही होती। तो 7 का आएगा स्मेल, मैं यहाँ पर स्मेल के ऊपर 7 राइट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्मेल, SMELL, स्मेल। आई ब्लॉक माई डैश व्हेन द लाउड सायरन ब्लू। जब बहुत ज़्यादा लाउड सायरन बजता है तो मैं अपनी ब्लॉक कर लेती हूँ, कौन सा ऑर्गन ब्लॉक कर लेती हूँ, हियरिंग वाला, और हियरिंग करते हैं हम ईयर से। तो यहाँ पे मैं 8 पे, हमें ईयर्स वाले पे 8 राइट कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी ईयर्स, 8 1 पे।
EARS. My sense of dash was not too strong in the dark. कौन सी सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती डार्क में? डार्कनेस होती है, हम लोग आवाज़ भी सुन सकते हैं, अगर कोई खुशबू हो वो भी स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है वो भी सुन सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, ठीक है. तो मैं यहाँ पे साइट, जो मेरी साइट की सेंस है, मैं उसके ऊपर राइट करूँगी 9, और मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ साइट, SIGHT, साइट, ठीक है. नेक्स्ट है ओपन योर डैश सो यू कैन ट्राई दिस पिकन पाई. अब आप अपना ओपन करें ताकि आप पिकन पाई को ट्राई कर सके, टेस्ट कर सके. तो हम टेस्ट कहाँ से करते हैं? माउथ से, ठीक है. हम अपना पहले माउथ ओपन करते हैं. तो मैं माउथ के ऊपर यहाँ पे 10 राइट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे राइट करूँगी माउथ, MOUTH, माउथ. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अपनी ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके इन फीलिंग्स को डन कर लिया है. तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.